हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कि आज मैं आपको पोटली बैग बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, ये बचा हुआ, ये देखिए मैंने इसके दो पीस लिए हैं, 12 बाई 12 का, 12 इंच इधर से, 12 इंच इधर से, पूरा चौकोर कपड़ा है ये। इसके लिए लाइनिंग भी मैंने ली है। लाइनिंग के लिए कपड़ा ऐसा नहीं था, तो फिर मैंने ये, मेरे पास पट्टियाँ पड़ी थी, मैंने पट्टियाँ जोड़ जोड़ के ये देखिए डबल कपड़ा ऐसे ले लिया है। पट्टियाँ जोड़ लिया मैंने सारी, अंदर लगेगा इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो इसी का बना लेते हैं लाइनिंग लगाने के लिए। इससे मैच करता हुआ कोई कपड़ा मुझे नहीं मिला, तो ये मैंने पट्टियों को जोड़ के ही लाइनिंग रेडी करी है। अब देखिए क्या करना है, इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लिया मैंने भी, दो ये हैं दो ये, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब क्या करना है, हमें निशान लगाना है। ये हमें यहाँ पर शेप देनी है थोड़ी सी गोलाई में, ये देखिए, और इसे कट कर लेना है। ये देखिए ये गोलाई दे दी मैंने और इसे कट कर लिया, और ऐसे ही हमें ये लाइनिंग भी काट के रखनी है। ये देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी काट लिया है। अब इसे हम जोड़ लेंगे, दोनों पीसों को जोड़ लेंगे, ये मेन जो फैब्रिक है इसको और ये लाइनिंग के कपड़ों को, इनको सिलाई लगा लेंगे दोनों को। ये देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा और ये ऊपर का फैब्रिक दोनों जोड़ लिए हैं, दोनों पीस को मैंने जोड़ लिया। ये देखिए अब क्या करना है, पहले एक सिंगल पीस को लेंगे और इसको उल्टी साइड से यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सिलाई मोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इसे। ये हमें इसलिए करना है कि हमें यहाँ डोरी डालनी है, तो इसके लिए हमें साइड से थोड़ा फोल्ड करना है कपड़े को, फिर से ऐसे फोल्ड करके हम इसे ऐसे करेंगे तो इसके अंदर डोरी चली जाएगी। तो साइडों से हमें थोड़ा सा कपड़ा मोड़ देना है, इधर से मैंने मोड़ दिया, ये देखिए। अब इधर से भी थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों साइडों में करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइडों में ये थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, अब इनको हमें फोल्ड करके इतना इतना फोल्ड करेंगे, इसमें डोरी आएगी, एक सिलाई में मुझे बीच में लगानी है, तो इसलिए मैंने ये इतना फोल्ड करा है चौड़ा। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस पर सिलाई लगाने के बाद थोड़ी दूरी पे हमें यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये इसलिए लगानी है कि अगर हम यहाँ डोरी डालेंगे इधर नीचे की तरफ, तो ये एक तरह से जब ये ऐसे हो जाएगी तो इस पर ये फ्लावर सा बन जाएगा, ऊपर चुन्नट सी आ जाएगी, तो वो देखने में अच्छी लगेगी। तो ऐसा ही दूसरे में कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है इन दोनों में डोरी डालने के लिए। अब इसके बाद क्या करना है, जहाँ तक हमने ये डोरी डालनी है वहाँ तक हमें छोड़ देना है खुला, बाकी हमें ये सारा साइडों से, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिल देना है इसे। ये देखिए दोनों को मिला के सिल लेना है। ये देखिए मैंने साइडों से सिल लिया है, अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए ये देखिए सीधा कर दिया, अब हम इसमें डोरी डालेंगे। ये देखिए मैंने डोरी ली है 25 इंच की है और 25 इंच की है। अब मैं इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डालेंगे। इस वाले में नहीं डालना है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में डालना है, जो नीचे वाली मैंने बनाई है ना इसमें हमें डालना है। ये देखिए ऊपर तो मैंने इसकी चुन्नट सी देखने में सुंदर लगी, इसलिए मैंने एक सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। देखिए एक तो हमें इधर से डालना है और एक इधर की साइड से डालना है।
ये देखिए मैंने इसमें ये दोनों तरफ से डोरी डाल दी है, ये देखिए। अब इस डोरी में एक ही मोती डाल देते हैं बड़ा, ये दोनों डोरी को लेके इस बड़े मोती में हमने डाल देना है ऐसे करके। ये देखिए, और इसमें एक नोट लगा देनी है जिससे कि ये मोती बाहर ना निकले, देखिए। ये देखिए मैंने मोती लगा दिया है, अब देखिए आराम से हम इसे ऐसे बंद कर सकते हैं खींच के। ये आपका रेडी हो गया, पोटली बैग रेडी हो गया आपका। इसमें मैं कुछ रख के दिखाती हूँ आपको। कुछ भी सामान रख लीजिए आप, जैसे मैं ये रोल ही रख के दिखा रही हूँ, जैसे इसके अंदर देखिए कुछ भी सामान रख लें आप, बहुत सारा सामान आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। बस इसमें हैंडल बनाना है, हैंडल के लिए मैं आपको इसी, ये जो लैस है, ये डोरी है, इसी को मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसी की हम आपको इसमें हैंडल बनाना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी का, इसी डोरी का मैंने ये देखिए चेन बनाई है हाथ से ही। ये देखिए लूज़ लूज़ चेन बना लेंगे हाथ से ही और इसका हैंडल रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये देखिए ऐसे डालो और ऐसे निकालो, ऐसे डालना है और ऐसे निकालना है, ऐसे करते करते हमें ये हैंडल बना लेना है ऐसा सुंदर सा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हैंडल बना के रेडी कर लिया है। अब इसे कैसे अटैच करना है ये देखिए, इसको यहाँ अटैच करना है नीचे, जहाँ से ये हमारी डोरी हमने लगाई है यहीं से हमें इसे सुई की हेल्प से इसे यहाँ पे जोड़ लेना है। तो अभी मैं जोड़ के बता रही हूँ आपको। ये देखिए इसे ऐसे रखना है और इसे अच्छे से ऐसे लगा दें। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटली बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने इसमें हैंडल भी लगा दिया है और हैंडल भी मैंने इसी इसी डोरी का बना के लगाया है। ये देखिए चैन स्टिच बनाई है मैंने इसकी, ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये पोटली बैग। थैंक यू।